वेदों और गीता और पुराणों का नाम लेकर के इन्होंने हमें लोक वेद सुना दिया, दंत कथा। अब लोक वेद क्या था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, सर्वेश्वर हैं। यू था लोक वेद। और जो सदग्रंथों का ज्ञान वो क्या बताता है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, ये है सिलेबस का ज्ञान, जिससे आज तक के अपने हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक ब्राह्मण गुरु ऋषि थे वो परिचित नहीं थे, तो वो टीचर नहीं ठीक थे, उन्होंने बट्ठा बैठा दिया हमारे सारे पूर्वजों का। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण और ज्ञान कराते हैं, भक्ति कराते हैं, वो करते हैं, वो अपना जीवन नष्ट करते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, क्योंकि वेदों में कुछ लिखा, गीता में लिखा ओनली ओम मंत्र है मेरा, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और जो इसको अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ जाता है तो मेरे वाली जो ब्रह्म से मिलने वाली जो लाभ है, ब्रह्म गति यानी ब्रह्म लोक प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है। और फिर उस परमात्मा के पाणे का, परम अक्षर ब्रह्म के पाणे का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता दिया, ओम तत्सति तीन निर्देश है ब्रह्म त्रिविद समर्थ है, नथिंग एल्स, केवल यही डायरेक्शन है, निर्देश माने डायरेक्शन और फाइनल फैसला। इसके बाद जो अन्य जितने भी हम मंत्र जाप करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, व्यर्थ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र को त्याग कर कोई बकवाद गढ़ता उसके नहीं सुनना। तो आज तक जो ज्ञान हमें दिया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अद्रो अमर है, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, तो ये लोक वेद था। अब यहां थोड़ा सा हिंट देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, और तो स्वीकार्य हो जाएगा आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, थोड़ा संकेत देकर आगे सत्संग सुनाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। फिर से देखिएगा, अब इसके 123 पृष्ठ पर हम लेते हैं, चंद पंक्तियां बहुत कुछ निर्णय दे रही हैं, 123 पृष्ठ और तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी सतीथी बता रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपको गीता जी के अंदर ये दास बताएगा फिर कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, वहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का आपको पता चलेगा। अब यहाँ भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं अपनात्मा। अब ये है एक अनिवार्य स्टेप है कि समय समय पर ये प्रमाण सदग्रंथों के आपके रूबरू कराऊं, नहीं तो आप जो पहली बार ये ज्ञान सुनेगा कोई भक्तात्मा सौभाग्य से,
तो वो बिदक जागा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नाशवान बतावे। ये दास नहीं बता रहा, इनका इतिहास बता रहा है, वो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब ये जो आसानी से आपके गले उतर जाएगी जो कहानी दास सुनाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा बताया, दिखाना पड़ा। अब यहां प्रसंग चल रहा है के मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदर, दिखत के तो नैन चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अब अजरो अमर बता रहे थे ना, वो लोक वेद सुना रहे थे, इनके कोई माता पिता नहीं, ये खुद कह रहे हैं दुर्गा को तुम हमारी माता है और हम आपसे जन्म हुआ है। इनका पिता कौन है ये भी स्पष्ट है, शिवपुराण में लिखा है और परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कबीर जी ने 600 वर्ष पहले। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी बताया है कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई ना जाने पद निर्वाण। ये सब विचलित है सभी समाज, भगत समाज और ऋषि महर्षि, और कोई भी निर्वाण पद से वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा और जग से कहिए एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। 600 साल पहले परमात्मा ने बताया था कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन। फिर बताते हैं कि धर्मराय किन्ने भोग विलासा या दुर्गा इस काल की पत्नी है ब्रह्म की या देवी कहते हैं। फिर इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया तब दुर्गा को रही तब आशा, ये प्रेग्नेंट हुई और 3 पुत्र अष्टंगी जाए जाए यानी उत्पन्न किए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कबीर सागर में लिखा हुआ ये प्रमाण 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वही ज्ञान सुनाया था जो हमारे सदग्रंथों में विद्वान है और जो हमारे गुरु कहलाते थे इस हिंदू समाज के, ये नकली ये लोक वेद सुनाया करते थे। मैं अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे ये लोग, इन्होंने हमारा बट्ठा बैठा दिया और सभी को भूत बनवा दिया, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करवा के ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमः आय नमः पता नहीं क्या क्या मंत्र बना दिए। ये कोई मंत्र है